नमस्ते इंडिया, मैं हूं नीता और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूं क्रैप सूप। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस से आप जुड़े रहे। तो सबसे पहले आपको क्रैप को अच्छे पानी से धो लेना है। तो मैंने क्रैप सूप बनाने के लिए लिया है लहसुन, अदरक, दालचीनी का टुकड़ा, मिरी, लौंग, ब्लैक पेपर, हल्दी और मिर्च। सबसे पहले मैंने गैस पे कुकर चढ़ाया और उसमें 1.5 चम्मच ऑयल डालना है। उसके बाद तेल गर्म होने के बाद मिरी डालना है, लौंग डालना है और दालचीनी का टुकड़ा और अदरक लहसुन मैंने पेस्ट कर लिया है, वो पेस्ट मैं डाल रही हूँ। आप चाहिए तो इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से भून लेना है। उसके बाद आप हरी मिर्च डालिए। अब इसमें मैं हल्दी डाल रही हूँ और ब्लैक पेपर पाउडर। अच्छे से भून के हो गया ना, तो इसमें आप क्रैप डालिए। क्रैप को अच्छे से मिलाना है। अब इसमें आप 1 चम्मच नमक डालिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद 1 से 2 ग्लास पानी डालिए। आपको जैसा सूप चाहिए वैसे पानी डाल सकते हैं आप। क्रैप को अच्छे से मिला लीजिए। बाद में इसको कुकर ढक दीजिए ढक्कन, और 4 से 5 सीटी होने तक इसको पकने दीजिए। यहाँ पे अपना क्रैप सूप हो गया है। तो देखिए अपना क्रैप सूप बन के रेडी हो गया। अभी मैं एक बाउल में निकाल के दिखाती हूँ। ये गार्निशिंग आप धनिया पत्ती से कीजिए। एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए क्रैप सूप और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा बनाया हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब